मेवात जिले के पिनगवां तेड़ मार्ग की हालत बेहद खस्ता है। सड़क जर्जर होने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क खराब होने की वजह से वाहनों में नुकसान होने के साथ साथ सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस मार्ग पर पुनहाना के विधायक मोहम्मद इलियास का पैतृक गांव सुल्तानपुर काटपुरी भी स्थित है। इसके अलावा पाइसी का बड़ा गांव तेड़ इसी सड़क से जुड़ता है। इसके अलावा तीन चार गांव को भी यह रास्ता जोड़ता है। पिनगवा कस्बे में खरीदारी इत्यादि के लिए रोजाना इसी मार्ग से हजारों लोग आते जाते हैं, जिनको इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। चंद मिनट का सफर सड़क खराब होने की वजह से काफ़ी लंबा दिखाई देता है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के साथ साथ मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास से सड़क के निर्माण की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वे इसी माह बड़कली चौक पर आ रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी रैली के दौरान मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखेंगे। कुल मिलाकर विधायक के गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत ही बद से बदतर है, तो आम गांव को जोड़ने वाली सड़कों का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। पिनगवा के अलावा तेड़, सुल्तानपुर, तेड़, प्रोजपुर इत्यादि आधा दर्जन से अधिक गाँव इस मार्ग पर पड़ते हैं। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। पिनगवा से ऊँटा जाली की तक बल्कि पुराना रोड में जाके मिल जाता है और इस पर कम से कम एक 40-50 गांव पड़ते हैं। ये मोहम्मद इलियास जी विधायक जी के निजी रोड है गांव का, उसमें से भी जाता है और इसको कम से कम 2-1.5 साल हो। किस तरह की इस रोड की अब हालत हो चुकी है? बहुत बुरी हो चुकी है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए ना तो पेड़ से लेके और पिनगवा तक का आधे घंटा का रास्ता है, जबकि 5-7 मिनट का रास्ता है। क्या आप लोग चाहते हैं इसमें? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये रोड बने जल्दी से जल्दी बने। इसकी हालत हो चुकी है, इसकी समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी। ये पिनगवा से लेकर जाए आप हथीन तक, पलवल लेकर जाए, पुनहान लेकर जाए, नौ लेकर जाइए, और ये बहुत कसौत रास्ता है। पब्लिक इसमें ज़्यादा चलती है, लेकिन दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि इस रास्ते को जाने के लिए दिक्कत की वजह से लोग दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं। हम लोग पिनगवा जा रहे हैं, अब हम लोग कम से कम 20-25 मिनट रास्ता लग जाएगा, और हालांकि जो रास्ता है अगर सही हो जाए तो हमें खूब से खूब इसमें 10 मिनट नहीं लगते। अगर कोई मरीज हो जाए, कोई बीमार हो जाए, उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाना है तो उसके लिए इतनी दिक्कत है कि हमें फिर सिकरा होकर जाना पड़ता है जल्दी के लिए, नौ के लिए। क्यों? अगर ये रास्ता इतना ख़राब है कि मरीज ऐसे ही पहले ही दम तोड़ जाएगा इसमें दस्तियों की वजह से। इस रास्ते को जल्दी बनवाया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे लिए। रिजवान जी, किस तरह का ये रास्ता है, क्या आप लोग चाहते हैं? हम यही चाहवान जी, रास्ता साफ़ हो जा, क्लियर हो जा। बहुत ज़्यादा सिर दर्द है जी, यहाँ से पिनगवा, तेड़, फिरोजपुर, काटपरी, सिकरावा, महमदपुर, काफ़ी जगह के लिए रास्ता जा रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। तमाम में वहाँ पिनगवा से लेके तेड़, महमदपुर और उधर काटपरी तक तमाम में खड्डे खड्डे हुए पड़े हैं। ना कोई कहने वाला है, ना कोई सुनने वाला जी। सब ऐसे ही परेशान है, सारी पब्लिक सब बहुत ज़्यादा परेशान है। तमाम सड़क टूटी पड़ी है, पुलिया है जी वो भी टूटी हुई है। इसको लेकर किसी से शिकायत की है? शिकायत तो काफ़ी शिकायत भी कही है और कही है, कई बार कोई सुनवाई नहीं करता जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि नई सड़क बन जावे, साफ सुथरी बन जावे, और की करें वहाँ से वहाँ तक बहुत दिक्कत है जी। और आगे काटपुरी का बॉर्डर, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं अब से पहले, और कई हमारे गाँव के तेड़ कई बंदे मर भी गए हैं एक्सीडेंट में, और उसके बाद भी बस 2 जंप लगे हैं वहाँ पर, और कोई ऐसी समस्या हल नहीं हुई कि ले भाई यहाँ ये रास्ता मेन रास्ता है, बड़ा गांव है, तेड़ है, काटपुरी, फिरोजपुर, तकरीबन 6-6 हज़ार की आबादी है जी, फिर भी कोई ऐसी समस्या हल नहीं हुई कि रोड साफ़ हो जाए, रोड के खड्डा भर जाए। कोई ना कहने वाला है ना सुनने वाला है, ऐसे ही परेशानी भुगत रहे हैं। जान मोहम्मद जी, कौन सा गाँव है? तेड़ है जी। आपके यहाँ गाँव के लिए रास्ता आसा है, किस तरह की इसकी अब हालत हो चुकी है? खराब रास्ता है जी बिल्कुल। क्या परेशानी होती है? परेशानी खड़ा खड़ा जी तहसील लगा रात में गड्ढे गड्ढे आए हमें। किस तरह से अब सफर करके आए हैं आप? भाई लग पेट में पहले पेट में तहसील लगा यार, मोटरसाइकिल।